श्री गणेश नमः। नमन तुम्हें है सूर्य देव, ध्यान धरो इस ओर, आपके बिन इस दास का कोई और ना ठार। नमन तुम्हें है सूर्य देव, ध्यान धरो इस ओर, आपके बिन इस दास का कोई और ना ठार। जय जय सूर्य भगवान, जय जय सूर्य भगवान, जय जय सूर्य भगवान, जय जय सूर्य भगवान। ओम सूर्य देवाय नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से सूर्य देव भगवान मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और साथ ही मान सम्मान, धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। कथा को प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। अगर कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए पंच परमेश्वर भगवान का मन में ध्यान करते हुए पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से रविवार व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, सोचने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गऊ को घर के भीतर बांधने लग जाती है। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को नहीं लीप सकी, इसीलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गऊ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गऊ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और ढाह से जल उठी और कुछ उपाय ना देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा
महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के सामने कोई क्या कह सकता है। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ और बछड़ा लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का क्रोध उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्यदेव भगवान, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया, वैसा ही इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव शिवा की जय। आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूरज भगवान की कहानी कहता और सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज्यादा काम भी नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहां बैठकर वह ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि कहीं ये आवाज भूत प्रेत की तो नहीं। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूरज भगवान ने इन्हें दर्शन दे दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, वरदान में क्या मांगू बताओ? उसकी पत्नी कहती है, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पर पोतों को दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले ही दिन जब वह जंगल जाता है और सूरज भगवान की कहानी और आराधना करता है, तभी सूर्य देव भगवान फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है। तब सूरज भगवान ने यह सुनकर कहा, दिखने में तो तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं।
ब्राह्मण ने पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा कि यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतने धन का हम क्या करेंगे? तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने जब यह सुना तो ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो तुमको खाने को भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहां से आ गया? कहां से चोरी की और डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो भगवान सूरज देव की कृपा है, और सारी कहानी राजा को बता दी। राजा ने जब यह सुना फिर उसके बाद राजा ने भी सूरज भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने लगा, जिससे सूरज भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर दिया। इसी तरह जो भी भक्त सूरज भगवान की कहानी पढ़ता या सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है तो सूर्य भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो बोलिए, गणेश भगवान की जय, सूर्य देव भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय।